हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो इस चैनल का अभी तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट होने वाला है, कंपटीशन वीडियो। वही नेशनल्स जहाँ पिछले साल 6 महीने पहले मैं फेल हो गया था। स्क्वाट 2 अटेम्प्ट लिए एंड मैं पूरा ही नहीं कर पाया। नी पेन, फीवर, बहुत सारी चीज़ें हो गई। बट आप ये चीज़ें, ये एक्सक्यूज़ सिर्फ खुद को दे सकते हो, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है ना, ये सब चीज़ें नहीं मानेंगी। उन्हें चाहिए रिजल्ट्स, और आज भी उन्हें चाहिए रिजल्ट्स, तो हम उन्हें देंगे रिजल्ट्स। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं। मैं 4:30 बजे से ही उठा हुआ हूँ। मेरे को नींद नहीं आ रही है। आपको पता है, किसी दिन आपका एग्ज़ाम होता है, उस दिन नींद बिल्कुल नहीं आती। कोशिश करा, 9 बजे ही बेड पे चला गया, सो जाऊँ सो जाऊँ सो जाऊँ। 3 साढ़े 3 घंटे नींद आई, 11-12 बजे, और 3 साढ़े 3 4 खुल गई। तो कोई नहीं, बट आई एम फीलिंग फ्रेश। नींद का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। 7 बजे वेन है और 9 बजे कंपटीशन है। एंड मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरे स्टेट के लोग बहुत सारे मेडल्स जीत रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे को उस टैली में ऐड करना है। मुझे लगता है मेरे से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग पावर लिफ्टिंग में आए, मेरे स्टेट से, अब पूरे इंडिया से भी कह सकते हैं, मेरे कंट्री से। तो बड़ी खुशी होती है कि मैं एक स्पोर्ट में इतना ये दे पाता हूँ। एंड अगर आज मैं जीतता हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल बन सकता हूँ कि हारने के बाद कमबैक किया जा सकता है। एंड वही मेरा प्रूव है, वही मेरा पॉइंट है प्रूव करने का। सो अभी मैं सुबह के 5:30 बजे मील खा रहा हूँ, चावल और जूस। बॉडी वेट कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं 4-5 kg कम ही हूँ कैटेगरी से, तो मैं अभी खा सकता हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है, 7 बजे वेन हो रही है एंड 7:30 हो जाता है वेन होते होते, क्योंकि उसमें टाइम लगता है फॉर्म फिल करना, लोग और भी रहते हैं लाइन में। किट चेकिंग होती है कि आप कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हो, दिखाओ बेल्ट वगैरह। तो उसमें 7:30 7:40 हो जा रहा है। एंड ये कंपटीशन इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज हुआ है इंडिया में कि बिल्कुल टाइम पे हो रहा है। 9 बजे मेरा स्टार्ट है ना, 9 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा बीच में, तो वो खाने का टाइम नहीं मिल रहा, आधा एक घंटा मिल रहा है, उसमें क्या डाइजेस्ट होगा। इसीलिए अच्छी बात है कि मुझे वेट कट नहीं करना है। मैं एक्चुअली 5 kg पीछे ही हूँ, तो मैं आराम से खाना खा रहा हूँ। अब आराम से अभी से ही खाएंगे, वेट देंगे, एंड 9 बजे मिलते हैं आपसे। स्क्वाट का पहला अटेम्प्ट, वही जो फेल करा स्क्वाट, उसी को बढ़िया से उड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट। मुझे मज़ा आ चुका है कंपटीशन देख के, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है जजिंग। अगर आपने देखना है कि इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन क्या होता है, तो यही होता है। एंड जितने भी आपके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बंदे दिखते हैं, उन्हें आप रिक्वेस्ट करो कि यहीं आके खेले, यहीं सबसे बढ़िया कॉम्पिटिशन मिलता है। सो अभी खाते हैं, रेस्ट करते हैं, एंड 7 बजे वेट देते हैं, एंड मिलते हैं फिर 9 बजे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके मॉम डैड क्या है, मम्मी पापा नहीं आ रहे क्या कंपटीशन में। सो एक्चुअली मैंने इस बार मना करा, इस बार नहीं बुलाया, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मम्मी पापा के सामने मैं थोड़ा परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाता हूँ। उनको देख के एक अलग हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। एंड आई थिंक हर किसी के साथ होता होगा कि आपको उनके सामने थोड़ा वो परफॉर्मेंस करने में मतलब अजीब लगता है यार, डर लगता है। तो इस बार रहने दिया। वैसे एक्चुअली मैं 2 दिन बाद मिल रहा हूँ, वैष्णो देवी मंदिर जाना है 2 दिन बाद। तो होपफुली नहीं, बढ़िया, मैं चाहता हूँ कि मेडल्स के साथ ही मंदिर जाऊँ और आशीर्वाद लूँ, तो बढ़िया रहेगा। और अभी सुबह के 6 बज गए हैं, 9 बजे कंपटीशन है, और इस बार स्क्वाट की जो जजिंग है, इंटरनेशनल लेवल की है। आपने बहुत सारे लोकल कंपटीशन देखे होंगे जहाँ पे स्क्वाट, आधा स्क्वाट भी मारते हैं तो गुड लिफ्ट मिल जाती है। यहाँ पे आपको पूरा नीचे जाना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे तक जाओगे तभी गुड लिफ्ट मिलेगी। तो इसीलिए पहला अटेम्प्ट स्क्वाट का थोड़ा सा सेफ खेलेंगे, देखेंगे कि मेरी लिफ्ट आराम से पास हो रही है कि नहीं। जजेस को लगता है कि मैं एनएफ डेप्थ हिट कर रहा हूँ, एंड उसके बाद ही हम लिफ्ट्स को बढ़ाएंगे। तो स्क्वाट ही है जहाँ पे थोड़ा नर्वसनेस रहता है, क्योंकि बाकी मुझे बेंच एंड डेड में कॉन्फिडेंस है कि मैं एक अच्छा नंबर हिट कर लूँगा। तो बस स्क्वाट बढ़िया निकल जाए, फिर उसके बाद मैं रिदम में आ जाऊँगा। सो 9 बजे है कॉम्पिटिशन, अब सीधा मैं आपसे मिलूँगा 9 बजे पहली लिफ्ट के साथ। प्रे करना एंड कॉमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, बड़ी मेहनत करी है इस दिन के लिए, आपका प्यार दिखा देना कमेंट्स में। लेट्स गो। सो आज कंपटीशन में मैं यूज़ करने वाला हूँ मसल ब्लीज का रैथेक्स प्री वर्कआउट। इसका नया फ्लेवर आया है वूडो ब्लैक, इतना टेस्टी है। इसका कोला फ्लेवर का टेस्ट आता है। एंड मैं कंपटीशन में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा लंबा इफेक्ट है, 1-1.5 घंटे आपको खींच के रखता है। तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया पंप आएगा, बहुत बढ़िया सब कुछ, माइंड मसल कनेक्शन फोकस फील होता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, मेरा कूपन कोड सिंघा30 है, उससे आपको एक डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो यूज़ करना नहीं भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कर लेना। लेट्स गो।
वेन हो गया और अभी करीब करीब 1 घंटा बचा है कंपटीशन के लिए, 8 बज रहे हैं, 9 बजे स्टार्ट है। मुझे सच में नहीं पता कि कैटेगरी कितनी टफ है, कौन कितने नंबर्स पुल कर रहा है, सच में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने बस इस बार यही फोकस बनाया था कि भाई तेरे को दूसरे पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अगर तू अपने नंबर्स मारेगा तू खुश रहेगा, क्योंकि ये स्टेज मिला है। क्या पता कोई बंदा 10 साल से करके यहाँ आ रहा हो तैयारी, क्या पता कोई 15 साल से करके आ रहा हो, क्योंकि ये सीनियर कैटेगरी है, यहाँ 32, 34, 35 ईयर्स के भी लोग हैं। मैं 24 साल का हूँ अभी, तो आई हैव द टाइम, बट मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 6 महीने, बस मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ, 6 महीने क्या, मैंने पिछले 1.5 साल मेहनत करी है, एंड वही वो मेहनत स्टेज पर दिख जाए एक बार, दैट वुड बी ऑल। सो लेट्स गो, लेट्स गेट इन द जोन। हेडफोन अभी बहुत कम बात करूँगा, बहुत मेहनत करी है, बस ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, सब कुछ सही से हो जाए। लेट्स गो। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check, no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to be. सो गाइज, ये है लास्ट वार्म अप सिंघा का, वो है 220 kg। इसके बाद लेने वाला है ओपनर, वो रहेगा 250 kg। लास्ट वार्म, सो लास्ट वार्म अप ले रहा हूँ 220 kg, 220 kg, एंड सीधा फिर 250 करना है, 30 kg जंप करके वहाँ स्टेज पे। ये बहुत तेज़ आएगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, इसको बिल्कुल दबा के फुल डेप्थ देके मारेंगे, बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट जजिंग है यहाँ पे, पूरा आपको नीचे घुस के मारना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। लेट्स गो। अमोनी हाथ कर रखना। चल हम इधर अमोनिया ही सुन के जाना है, चल तगड़ा होके, तगड़ा होके जा एकदम। चल ओपनर जैसा होना चाहिए, तगड़ा होके एकदम। चल आजा। अरे बहुत इजी भाई, भाई बहन चल मारेगा, 270+ है पक्का, 275+ है। सेम 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 इजी। बेल्ट टाइट, बेल्ट को वहां नहीं बांधेंगे ना। ठीक है ठीक है, पहले समझा चुका हूं। ठीक है ठीक है, बेल्ट आप अंदर बांधेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, वहां से अजीत सर देख। हां ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। चल इजी है, टाइट, बहुत बढ़िया। ले टाइट एकदम, बहुत बढ़िया। चला जाओ इधर। अरे बहुत है भाई, 5 kg और था भाई, 15 में हारेगा।
275 तो था। ओ! हाँ? अब तीन हो गया ना सर, अब क्या 5 kg और था भाई, 5 kg और था। सो गाइज स्क्वाट्स कंप्लीट हो गया, हम सेकंड हुए और मुझे थोड़ा रिग्रेट रहेगा क्योंकि हम सेकंड इसलिए हुए क्योंकि भाई वो लास्ट ईयर जो हुआ ना उसका कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है यार, है ना। 275 करना था, आप ये 270 देख के जज कर सकते हो मेरे अंदर 5 kg था या नहीं। मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, मैं और 5-7 kg ग्राइंड कर सकता था, 10 kg हाँ, क्योंकि मैं जो ग्राइंड करता हूँ ना वो अलग ग्राइंड होती है, वो पीठ वीठ पे लेके कैसे भी उठ जाऊँगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है, मैं कैसे भी ग्राइंड कर लेता। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. All I got is working, never stop searching. Never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. एक चल ओपनर जैसा आना चाहिए, चल तगड़ा होके एकदम। टाइम ले आराम से, बहुत बढ़िया। चल चल एकदम मार, छोड़ेगा नहीं, यहीं पे यहीं पे यहीं पे। हाँ चल तगड़ा होके एकदम, पता है क्या करना तुमको, सब पता है, चल मार, चल तगड़ा होके एकदम। चल इजी है, चल बाबू मार दे, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया भाई, अपने से बदल ले उसको, अपने बोल वही वही 187.5 अब 187.5 क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, सिल्वर से काम नहीं चलेगा, मेरे को गोल्ड चाहिए, ऑलरेडी स्क्वाड में बीटी हो गई, 2.5 kg के लिए सिल्वर हुआ, पर फुल अटेम्प्ट फुल थ्रॉटल 187.5, लेट्स गो। 187.5 अगर मार दिया, थर्ड सेकेंड अटेम्प्ट डेडलिफ्ट का मार दिया, टोटल का रिकॉर्ड भी तोड़ तोड़ देगा, तो ये इंपॉर्टेंट है समझ ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तेरा लिफ्ट आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट लिफ्ट। चल 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 एकदम तगड़ा होके, हफ्ते में 5-5 बार बेंच किया, चल वेस्ट नहीं करना है, चल सिंगम मार दे, बस मार दे एकदम, चल एकदम मार, क्या रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत, एकदम मार के आएगा, इजी एकदम, एकदम टाइट, बहुत बढ़िया, आ गया। अरे भाई 2.5 kg और था भाई, ढाई नहीं आता और नहीं आता, ग्राइंड आता, इजी इजी इजी, बहुत मैच हो दिया, हार्ड 190 ना, हार्ड 190 था भाई। सो ये था 187.5 kg बेंच,
आई हैड 2.5-5 kg और, मेरे को नहीं पता, बट ज़रूरी नहीं था क्योंकि 187.5 में फर्स्ट हो रहे थे, कुछ ग्राइंड नहीं हुई, मेरे को बहुत तगड़ा फील हो रहा था, 190-192 था मेरे अंदर। प्रोग्रेस देखनी थी बहुत लोगों को कि 6 महीने क्या कर रहा हुआ बाजी है वो, स्टेज पे कभी लिफ्टिंग नहीं मारी। तो ये वीडियो के बाद जब भी कोई बकचोदी करे ना, लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था भाई, 6 महीने घर से दूर रह के बहुत तैयारी करी है और यही दिखाना था आज। कहाँ था मैं एक साल पहले? 162.5 25 kg बेंच एक साल में, ठीक है। अब एशियंस में 200 है रिकॉर्ड, 200 के आसपास, वो भी टूटेगा बहुत जल्द। अब डेडलिफ्ट की बारी है, डेडलिफ्ट में 295 नेशनल रिकॉर्ड है, 296 करके उसको तोड़ेंगे एंड फिर अपना पर्सनल बेस्ट मारेंगे स्टेज पर, लेट्स गो। सेकंड लिफ्ट में तेरा पूरा टोटल रिकॉर्ड ही बन रहा है? हाँ, सेकंड लिफ्ट में टोटल रिकॉर्ड भी बनेगा। तो अभी से जो भी मेरे को इतने 6 महीने पंप किया, 6 महीने साथ रहे हो ना, अभी से कोई भी कुछ भी बोले ना, उसको तुम्हें आंसर करने के लिए मैंने ये चीज़ करी है, ये मेहनत, कि मैं नहीं चाहता जो बंदे मुझे सपोर्ट कर रहे थे ना, बहुत लोग ये बोलते हैं कि इसके सपोर्टर्स बड़े टॉक्सिक हैं, सिंघा के सपोर्टर्स बड़े टॉक्सिक हैं, उसने कुछ करा तो है नहीं बट इसकी ऑडियंस सिंघा भाई ये वो, तो दिखा दिया। अब तुम लोगों के पास बोलने के लिए है, बस चाहता था तुम लोगों की इज्जत रखूँ, वो रख दी। अब डेडलिफ्ट में अपने हिसाब से गेम खेलेंगे, बहुत आगे निकल चुके हैं, अब अपने हिसाब से मारेंगे, अपनी लिफ्टें मारेंगे। मार दे, बात ना मेडल की थी, बात ना ईगो की थी, बात सिर्फ इज्जत की थी, सिर्फ इज्जत जो गवाई थी। Y'all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the men. बहुत टाइम है, एकदम तगड़ा होके चल मार क्या, चल मार क्या, बेल्ट टाइट कर, इजी, कम ऑन, कमांड सुन के चल, चल कुछ नहीं है, अरे लॉक, ये पकड़ी, पकड़ नेशनल रिकॉर्ड है, ले पकड़ ले, एकदम मार देगा, मार देगा भाई, सीनियर टोटल रिकॉर्ड, चल चल चल, बहुत दूर से आया, चल बहुत दूर से आया भाई, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है एकदम, चल चल मार दे, मार दे सिंगा, छोड़ेगा नहीं, चल एकदम छोड़ेगा नहीं, तगड़ा होके एकदम, बहुत बढ़िया, ले 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 ले, अब तेरे लिए, अब तेरा गेम है, बता अब तेरा गेम है। तो 296 हमने इसलिए लिया था क्योंकि 295 नेशनल रिकॉर्ड था, तो 1 kg बढ़ा के हम ले सकते हैं, जब नेशनल रिकॉर्ड टूटता है 296 हो गया। अब यहाँ से 305 कर रहे, थोड़ा बैक में क्रैम्प आ रहा है और फटीग हो रहा है, एक दिन में इतनी सारे लिफ्ट करना, हाफ जिम में लगाते हो बट स्टेज पे इट्स अ मेंटल गेम, एंड मैं 305 कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, बहुत बढ़िया है, 6 महीने बाद एशियंस है एंड एशियंस का आई थिंक नेशनल रिकॉर्ड 800 है, तो मैं टोटल चाहता था 310 का, बहुत मन है बट हम 305 कर रहे हैं, स्पीड मारेंगे ताकि आप लिख पाओ 310 भी है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, किसी बड़े स्टेज पर 315 आएगा। बस मेरे को इस वीडियो से डोमिनेशन दिखानी थी, वो दिखानी थी, अब 305 में श्योर हूँ, तगड़ा मारेंगे, चलो रिकॉर्ड बन गया, अब लेगेसी बनाना है। बहुत लोग बोल रहे हैं कोई नहीं खेल रहा, कोई नहीं खेल रहा, कोई नहीं खेल रहा, 2 साल पावर लिफ्टिंग में आके नेशनल रिकॉर्ड बना के जा रहा है एक झारखंड का छोटा सा लड़का, समझ ले, घर नहीं जाना, हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग करना, बहुत ही सैक्रिफाइस किया भाई, छोड़ना नहीं है, चल चल, फॉलोड है एकदम तगड़ा होके, चल जय श्री राम, जय श्री राम, चल चल, लास्ट लिफ्ट,
लास्ट लिफ्ट है याद रखना 305 ऑन प्लेटफॉर्म 305 बहुत बड़ी लिफ्ट है। चल नेशनल रिकॉर्ड तुम बना दिया, ये अपने लिए कर रहा है, अपने भाई लोग के लिए कर रहा है, बस याद रखना ये चीज़। चल ए लगाया हेवी पाउडर ठीक है। चलो चल सिंह उड़ा दे, चल चौक लगा, चल चौक लगा एकदम तगड़ा होके, चल एकदम तगड़ा होके, चल चल एकदम, रुक जा कुछ नहीं है, चल एकदम चल एकदम, सुना नहीं, चल बेल्ट बांध और चल निकल जा एकदम, गरम होके गरम होके एकदम तगड़ा होके मारेगा। Good lift. That is the end of 105 kg category players. 10 to tha. 10 to tha le bhai. Bol liyo. Hawa bazi. Stage pe. Ho gayi. Hawa bazi. Hey Rajesh. 3-10 tha. 3-10 tha. Isse zyada tha bhai. 3-10 tha. Hum bahut fight kiye lekin. Kyun mare? Ya maar de. Kyun mare? Ya maar de. Koi takkar kahin nahi hai. Hawa bazi. Comment mein likhna. वहाँ वो कॉन्ग्रेट्स वगैरह बोलेंगे वो आएगी ना, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। जय श्री राम। थैंक यू सो मच सौरव कुमार सिंह ऑफ झारखंड। आए मटूरे किस बार इस ग्लोबल स्टैंडर्ड रफ्तार टू स्कोर बाय विनायक त्रिवेदी। लड़की क्यों तो थैंक यू सो मच। अरे भाई गोल्ड है, गोल्ड गोल्ड एंड शोध। लास्ट ईयर इसका वीडियो पे कमेंट था, आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। हां है ना, हां तुम्हें याद है लड़की। हां भाई लास्ट ईयर क्या किया था और अभी ये है, और कुछ जा रहा था भाई, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये बोल तो रहे भाई सब। एक चन 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 मैंने बस एक ही चीज़ सोची थी
कि भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ बोली थी उस कंपटीशन के बाद ना, मैं खुद अपने बारे में गलत सोचने लगा था कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ बट स्टेज पे क्या कर रहा हूँ, बट अभी वो हट गया मेरे अंदर से, सो आई एम हैप्पी। चलो बाहर पर्सनल बातें दो मिनट करके वीडियो एंड करूँगा, चल आ जा। तो मैं अपने रूम आ गया, और क्योंकि मेरे को घर वालों से शांति से बात करनी थी, एंड आपको एक चीज़ बतानी है कि मेरे मम्मी पापा सुबह के 6 बजे से मंदिर में है, और 8:30 तक मंदिर में थे जस्ट बिकॉज ये कॉम्प जीतने के लिए। तो मैं कॉल लगा रहा हूँ। हेलो हेलो गोल्ड जीत गया। हाँ सारा मतलब इस बार जरूर जीतेगा, ऐसे मैं भी और तुम भी दोनों का प्रार्थना था। सुबह सुबह मैं गई थी बजरंग बली को पूजा की, पता है पता है, पापा बताए थे मंदिर के। इस बार बजरंग बली जिता दीजिए नहीं तो बच्चा टूट जाएगा। इस बार अब आपके हाथ में है, मेहनत तो किया है लेकिन कृपा आपका करना है। तो एक एक बस एक में सेकंड आए, बाकी सब में फर्स्ट, नेशनल रिकॉर्ड भी बना। ये नहीं है, हाँ हाँ अच्छा गया, जो सोचे वो हुआ, जो जितना सोचे थे सब बढ़िया से मारा, कुछ में रिस्क बढ़िया हुआ। जीत गया, बहुत खुशी हुआ, अच्छा से करके अपना फिर वहां से आ जाओ। हाँ अब एक ही चीज रहेगा, क्रेडिट तुम यही लेगी कि मैं पूजा करती हूँ इसीलिए। तो बोलते हैं ना कि भगवान कैसे, वही भैया बोला ना, नहीं मेहनत भी किया, दोनों साथ साथ है, मेहनत भी है और मतलब प्रार्थना भी है, दोनों है। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि तुम खाली मेहनत कर रहे थे, हम पूजे कर रहे हैं तो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बैठे बैठे, दोनों है। चलो ठीक है, पापा को बताते हैं। सो मेरी मम्मी, आपको नहीं पता होगा, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, कभी कभी मैं इरिटेट हो जाता हूँ, क्योंकि आपको हफ्ते में 1-2 दिन फास्टिंग करती है, हर एक फेस्टिवल में फास्टिंग, कोई भी पूजा हो फास्टिंग, सुबह 2-3 घंटे पूजा, शाम को पूजा। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि ये हो गया लाइफ में, वो हो गया, तो बस वही कहते हैं कि ये मेरे पूजा करने के कारण है, यही हमारे घर पे चलता है। तो बढ़िया हो गया सब, ये कॉल के लिए ही सारी मेहनत होती है, घर पे बताने के लिए, सुबह से मंदिर बैठे हैं वेट कर रहे हैं। पापा सुबह 5:30-6 बजे उठ गए थे, कॉल कर रहे हैं, 2-2 मिस कॉल आया था, कुणाल बैठा हुआ था, सुबह 5:30 बजे कॉल आ रहे हैं, है ना। तो सारे घर वाले स्ट्रेस भी रहते हैं, तो अभी पापा को कॉल करेंगे। तो भाई अब पापा को कॉल लगा रहे, थोड़ा यही होता है बोलने पापा से, देखते हैं। हेलो हाँ बोलो, सारा 3 गोल्ड 1 सिल्वर ओवरऑल फर्स्ट। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वो यार हम लोग तो सुबह 8 बजे मंदिर, हम लोग आज हनुमान जी के गए, पता है मंगलवार दिन था, और हमको अंदर से लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा ही, ये पता है, बहुत सारा लोग कमेंट कर रहा था कल ही कि कल ट्यूसडे है, हनुमान जी का दिन है तो बढ़िया लिफ्ट आएंगी। हमको आज पूरा विश्वास सुबह ही हो गया था, क्या कहते सुबह वास हुआ था ना, तो हम बोले थे कि हाँ हम लोग मंदिर में हैं, और आज हम लोग यही बना ही रहे कि ऐसा कुछ सुनने को मिले जो बहुत। अब बढ़िया स्टोरी डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ा चमका ही। चलिए बाय, थोड़ा ये प्रसाद चढ़ा दीजिए। ठीक है, कल तो सुबह ही आ चढ़ाया, फिर जाएंगे। बाय। ठीक है, ओके। तो भाई यही चीज के लिए मेहनत करते हैं, एंड अब आपके साथ थोड़ी बात करनी है, ये आपके लिए है। ये मैंने हमेशा कहा कि इस चैनल पे मेरे को ये दिखाना है कि एक बंदा गिरता है फिर से कोशिश करता है और उठता है, और वही हुआ यार, एक पूरी जर्नी बन गई कि बंदा क्या गिरा यार, क्या गिरा। और बहुत सारे बंदे लिख रहे हैं कि 105 में क्यों खेला, 105 में कंपटीशन नहीं था। भाई आपको पता है एक बात, आप ये बस सोचो कि जो बंदे लास्ट ईयर खेल रहे हैं या बहुत सालों से खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे, इस बार कॉम्पिटिशन का लेवल अलग है। सामने नाडा की टीम बैठी है, मुझे कोई डर नहीं लगता, मेरे को टेस्ट कर लो, सालों साल कर लो, मैं नेचुरल हूँ और नेचुरली ये लिफ्टें मारी है। कोई कितना भी मार रहा हो, मैंने नेचुरली अचीव करा है,
और नेचुरली ही एशियंस जाके इंडिया का नाम रोशन करेंगे। मेरा सपना बन चुका है कि बस मैं एक बार ज़िंदगी में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एशियंस जो गोल है चढ़ूँ और मेरा फ्लैग ऊपर जाए इंडिया का, बस वही करना है। थैंक यू सो मच, इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट दिया है मेरे को। मैं वही कह रहा था इनसे भी, अमन से भी, कि बहुत सारे बंदे जो मेरे को सपोर्ट करते हैं ना, उन्हें लोग टॉक्सिक बोलते हैं, ये बोलते हैं क्यों सपोर्ट करते हो, क्यों करते हो। इसलिए करते हैं यार, क्योंकि वो मेरी मेहनत देखते हैं और मैं कहाँ से निकला हूँ, कितने छोटे घर से, कहाँ से जर्नी। एक वीडियो आएगी इस चैनल पर अराउंड 1-1.5 साल बाद, उस वीडियो में ना अपना पुराना घर दिखाऊँगा और जो मैं घर, मेरा जो सपना है, मैं रीलें सेव करके रखता हूँ बड़े बड़े घरों की, तो वो जब वीडियो आएगी ना, एक पुराना घर दिखाऊँगा 2 कमरे का, वहाँ पर 6 बंदे रह रहे 2 कमरे में, और वहाँ से ट्रांजिशन दिखाऊँगा मैं जो मैं नया घर बनाऊँगा खुद के दम पे। तो तुम्हें भाई कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोले ना, बस उन्हें ये याद दिलाना कि मैं ये भी कर रहा हूँ और मैं अपने माँ बाप के लिए जो करने वाला हूँ, मुझे ही पता है मैं अपने पैसे मेरे अकाउंट में नहीं रहते, ठीक है, ये सारा पैसा मैं बचा के रख रहा हूँ ताकि मैं वो घर बनाने का जो सपना है, एक 2 कमरे के घर से एक बहुत लैविश 10 कमरे का घर बनाना मेरा सपना है। एंड जिस दिन वो कर लिया उस दिन जीवन सफल है यार, चाहे यूट्यूब पे 10 लोग गालियाँ दे दें, इंस्टाग्राम पे 10 लोग गालियाँ दे दें, एट द एंड ऑफ द डे जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो खुश हैं, फिर क्या कोई भी कमेंट कर दे यार। थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, लव यू ऑल।